नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, हम लोग ने 2016 तक साइकोलॉजी का ड्यूटी कर लिया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2015 के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। चलिए देखते हैं 2015 में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 2015 का जो पहला प्रश्न आपका था, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया है। दोस्तों, बुद्धि संरचना मॉडल आपका गिलफोर्ड का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, बुद्धि लब्धि संपदा को किसने दिया है, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या है, बुद्धि लब्धि संपदा को किसने दिया है, इसमें आपके ऑप्शन एक भी नहीं है, टर्मन ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि संपदा किसने दिया है, टर्मन ने दिया है, टर्मन आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप डी के साथ जाइएगा। थर्ड आपका है, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू नहीं है, सॉरी है पूछ रहा है। तो संज्ञातक पहलू आपका स्व का, इसमें सारे हैं, सब में आत्म लगा हुआ है, इसको तो सारे होंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चौथा बात करें हम प्रश्न, सामूहिक अचेतन के संप्रदाय को किसने दिया है, तो सामूहिक अचेतन का सिद्धांत आपका यूंग ने दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा प्रश्न आपका है, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड, यानी कि सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड आपका दो होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा आपका है, व्यक्ति के शारीरिक हाव हाव किस श्रेणी का कौशल है। तो दोस्तों, ये आपका क्या कर रहा है, व्यक्ति के शारीरिक हाव हाव किस श्रेणी का कौशल है, तो आपका ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल का यह श्रेणी में आता है, ठीक है। सातवां आपका है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह का कौशल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आपको परीक्षात्मक कौशल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां आपका है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो संचार का तत्व आपका दोस्तों बोलना होगा, सुनना होगा, शारीरिक भाषा भी एक संचार का कौशल आता है। ये आपका डी ऑप्शन नंबर पारानुभूति इसमें नहीं होगा, ठीक है। आपके हो सकता है गेस वगैरह में बोलना दिया होगा, तो बोलना सबसे जरूरी होता है, पहले बोलेंगे तब तो संचार कौशल का बात होगा, ठीक है। तो संचार कौशल में बोलना आता है, ठीक है, जिसे स्पीच बोलते हैं उसमें हम। शारीरिक भाषा भी एक क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज संचार का ही भाग है, और सुनना जरूरी होता है, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। परानुभूति आपका संचार का तत्व नहीं है। नौ में आपका है, निम्नांकित में कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, ठीक है, यानी कि प्रभावी परामर्शदाता का गुण कौन नहीं हो सकता है। तो आपका परानुभूति होना चाहिए, प्रामाणिकता और भावानुभाव, यानी सशक्त सम्मान आपका गुण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दस की बात करें, सड़क बोध आदि उदाहरण है किसके, तो सड़क निर्माण होता है, यानी कि निर्मित पर्यावरण का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह प्रश्न आपका है, अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, संबंधी यानी कि सामाजिक वाली बात आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सामाजिक दूरी की बात करेंगे। बारहवां प्रश्न आपका है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। तो ये आपका है साधनात्मक आक्रामकता होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेरह प्रश्न आपका है, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कुंठा आक्रामकता सिद्धांत आपका मिलर तथा डोलार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चौदहवां आपका है, निम्नांकित में से किसे ध्वनि को मापा जाता है। तो दोस्तों, ध्वनि किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पंद्रहवां प्रश्न आपका है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों, स्ट्रेस की उत्पत्ति आपका ग्रीक भाषा से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में जर्मन दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। सोलहवां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, DMS4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है। दोस्तों, ये आपका है समूह ध्रुवीकरण का कारण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अठारह आपका है, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो ये आपका पहचान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उन्नीसवां आपका है, किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा है। तो दोस्तों, यह वेस्लर ने कहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र रूप में नहीं समझा जाता है।
तो मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में हम किसे नहीं जानेंगे, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण को नहीं बोलेंगे, यंत्र नहीं है ये, पूरी प्रक्रिया है परीक्षण, यंत्र नहीं है। जहाँ यंत्र की बात किया है, ये क्या है, पूरी प्रक्रिया है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्कीसवां आपका है व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, बिल्कुल व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, दोनों होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। बाईसवां आपका है निम्नांकित से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है, तो वह प्रत्यक्ष प्रारूप आपका अनुपालन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है तेईसवां है निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो मनोवृत्ति का तत्व आपका संज्ञानात्मक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चौबीसवां प्रश्न आपका है मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है, यानी कह रहा है क्या POX की भी बात कर रहा है ये, ठीक है, तो POX किसने दिया है, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप में आपका हो सकता है ये क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर इसका आंसर अलग दिया हो, ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा आपका हाइडर होगा, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया है, ठीक है, POX सिद्धांत। पच्चीसवां है श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों श्रेणी आधारित इसका क्या कहता था आपका दर्शक प्रभाव कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर भी दोस्तों इसको देख लीजिए, हम लोग इस पर डाउट लगता है, ठीक है। अगला आपका छब्बीसवां प्रश्न है श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहलाता है, तो दोस्तों श्वसन अभ्यास का योग आपका प्राणायाम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गेस वगैरह इसका आंसर आसन दिया होगा, आसन गलत है, ठीक है, आसन मुद्रा होता है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है उस योग की बात कर रहा था, योग आपका प्राणायाम होता है जिसमें हम क्या करते हैं श्वसन सांस का अभ्यास करते हैं, ठीक है। अगला आपका है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होता है, दोस्तों व्यवहार चिकित्सा आपका प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अट्ठाईसवां आपका है निम्नांकित में से कौन मनोविदारिता का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें से आपका मिश्रित मनोविदारिता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 2015 के प्रश्न, ठीक है, उम्मीद है सारे प्रश्न आप लोग कर लिए होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।